और अब रुक करेंगे अगली खबर का। शनिवार हादसों का शनिवार रहा, सुबह से ही आज हादसों की खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिससे 20 लोगों की जान चली गई और 40 लोग जख्मी हो गए। तो वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में हैदराबाद मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में अब भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है। हादसा करीब रात 2:15 बजे का है। आज सुबह ही वाराणसी के एक साड़ी गोदाम में आग लग गई। ये दूसरी घटना है, दूसरा हादसा, लेकिन शुक्र इस बात का है कि यहाँ किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन करोड़ों की संपत्ति का नुकसान यहाँ पर हुआ है। 3 खबरें, साड़ी के गोदाम में आग वाराणसी में, वहीं कलबुर्गी में ट्रेन हादसा हुआ, जबकि अगर झाबुआ मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर सिलेंडर ब्लास्ट से 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। 3 हादसे और हादसों का शनिवार, क्योंकि सुबह से ही इन हादसों की खबरें आ रही हैं। गैस सिलेंडर ब्लास्ट में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बता रहे हैं। ये गैस सिलेंडर हादसा एक होटल के भीतर हुआ है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट आने का इंतजार प्रशासन कर रहा है। मुआवजे का ऐलान भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी, इस तरह का आश्वासन भी दिया गया है गृह मंत्री बाबूलाल गौर की ओर से। वहीं अगर दूसरे हादसे की बात करें, ट्रेन हादसा रात में करीब 2:15 बजे हुआ यह हादसा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर का इस घटना पर जो झाबुआ में हुई है उस पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। पटेलाबाद जिला झाबुआ में एक होटल है, सेठिया होटल, उसमें सिलेंडरों के फट जाने के कारण अनेकों लोग मृत्यु के शिकार हो गए हैं और घायल हो गए हैं। इसके जांच के आदेश दे दिए हैं और इन जो मृतक परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, घायलों को दी जाएगी, और जांच के आदेश होने के बाद और जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आर्थिक सहायता की घोषणा की जाएगी। अब ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। अब ये पूरी जानकारी नहीं मिली, 10 से ज्यादा लोगों की अभी तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। आप भी जा रहे हैं? मैं जाऊंगा